आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिसे आप सीता राम समझ रहे हो वह अंतिम चेतावनी है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मन मरे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हाला माझ्या तरुण नमस्कार, माझे नाव प्रीती सिद्धेश सावंत आहे। मी सीता बनून आलेली आहे। हे दुष्ट रावण, तुमने मेरा हरण करते अच्छा नहीं किया। आता से पाताल तक मुझे तो ही नहीं छू सकता। मैं एक पति बता हूँ और मेरे राम आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। बोलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते, मेरा नाम निर्जन नितीश है। आज मैं आपके सामने कैकेयी का किरदार निभाने जा रही हूँ। हाँ महाराज, वह तो मैं सुन ही रही हूँ। राम के राज तिलक की धूम पूरी अयोध्या में मची हुई है। किंतु महाराज, उससे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरे दो वरदान पूरी कीजिए जो आपके पास धरोहर स्वरूप थे। पहला वरदान, अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। मेरा दूसरा वरदान भी सुन लीजिए, राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरा नाम है साइचा मंगेश चोड़नकर। मैं 7 साल की हूँ और मैं 2वी कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं आज सीता मैया बनी हूँ। हे दुष्ट रावण, आकाश से लेकर पाताल तक कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक पतिव्रता हूँ, तुम अपना ध्यान मुझसे हटा लो, नहीं तो तुम अपने लंका समेत भस्म हो जाओ। मैं अयोध्यापति श्री राम, अयोध्येचे राजा दशरथ आणि त्यांची पहिली पत्नी राणी कौसल्या यांचा ज्येष्ठ पुत्र म्हणून माझा जन्म झाला। माझा जन्म आजही रामनवमी म्हणून मोठ्या आनंदाने व मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। मी भगवान विष्णूचा पृथ्वीवरील 7वा अवतार असा मानला जातो। रावणाच्या रूपात अधर्माचा पराभव करण्यासाठी माझा जन्म झाला। माझे नाव स्वरा यश पाटील। आज हांव सीता जाल्ले आसा। आज हांव तुमच्या समोर राम रक्षा ची 2 कडवी म्हणतले। श्री गणेशाय नमः। एस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य जपे विनियोग अत ध्यानम ध्याय ध्याजानुकाम धृतधनुषिणम पद पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमलदलस्पर्दिनेन्द्रम प्रसन्नम वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविनलोज्वलं दीनदानम अथ ध्यानम ध्याय ध्याजानुकाम धृतधनुषिणम पद पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमलदल स्पर्दिनेन्द्रम प्रसन्नम वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविनलोज्वलं दीनदानम नानालङ्कारदीप्तं ददरमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य षट्कोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसा आपातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोपलश्यानं रामं राजीवलोचनम्। नमस्ते, माझं नाव स्वरा नाईक। मी झाली आहे एक सीता। रामने मुझे पाने केले शिव धनुष्य तोड़ा था। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। हे मैं का एक से मी श्री राम
चांगले केले नाही, तुझा विनाश अटळ आहे। जय श्री राम। हे पापी, इस प्राचीर को पार करने की साहस भी मत करना। हे रावण, धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर। एक बार नहीं, हजार बार धिक्कार है। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप के आग में तुम स्वर्ण लंका समेत भस्म हो जाओगे। रावण, तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनकी एक धनुष की टंकार से लंका द्वीप समुद्र की गढ़ में डूब जाएगा। तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। मैं एक प्रतिवता स्त्री हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। जीवन में जो कुछ होता है, मानो को जो सिद्ध मिलता है, उसके पीछे विधि की कुछ योजना होती है। मानव विपक है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते हैं कि जो दुख हमको मिला उसका परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। जो हो रहा है वो होनी कर रही है। ऐसे समय दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैव वंश मान कर स्वीकार कर लेना चाहिए। भूद्रव्य सर्वेभ्य कल्याण भवन्तु। हे वृक्ष रावण, तूने मुझे हरण करने के लिए सोचा भी कैसे? आकाश से लेकर पाताल तक मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं सिर्फ मेरे राम की हूँ। तेरा समय निकट आ रहा है, तेरा सर्वनाश होगा, अच्छाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। मैं सीता माता, मिथिला के राजा जनक की पुत्री। मेरा जन्म पृथ्वी से हुआ है। भूमि में पाए जाने के कारण मुझे भूमि पुत्री भी कहा जाता है। मैं विष्णु के अवतार श्री राम जी की पत्नी हूँ और मुझे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का एक रूप भी माना जाता है। राम जी के द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद मेरा विवाह श्री राम जी से हुआ है। अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए मेरा जन्म गोद से हुआ है। कौन है तू बंदर? Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.